हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। मेजर लीग सॉकर का मैच हो रहा है सीटल साउंडर्स वर्सेस वैंकोवर के बीच 8:09 पे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रही, वीडियो बहुत ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, सीटल साउंडर्स एंड वैंकोवर मेजर लीग सॉकर की दोनों मेन टीम्स हैं, तो अगर ऐसा नहीं कि सीटल साउंडर्स एक बार जीत जाएगी, मतलब यहाँ पर क्या है, कभी भी नोटिस करना मेजर लीग और मैक्सिकन लीग के अंदर जो टीम स्ट्रांग होगी वो मैक्सिमम बार जीतती है। मतलब जैसे मैक्सिकन लीग की एक टीम है जिसका नाम है क्लब अमेरिका, सीएफ अमेरिका, ठीक है। आप कभी भी देखना वो टीम जब भी जीतेगी लंबे मार्जिन से, जब भी किसी भी टीम के साथ मैच हो, अच्छा अच्छे गोल करती है। और वही वो हाल इन दोनों लीग्स में। लेकिन जब टीम बराबर की हो, जैसे सीटल साउंडर्स अब एक बराबर की टीम है एज़ कम्पेयर टू वैंकोवर, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच के अंदर दोनों तरफा गोल होने चाहिए। सिंगल साइड अगर गोल हुआ तो वो होना चाहिए सीटल साउंडर्स का, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सीटल साउंडर्स की जीत। सबसे पहले बात करें जे मॉरिस की, तो देखिए मॉरिस का खेलना ही बहुत बड़ी बात है। अगर देखो मॉरिस का गोल आना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारा कप्तान है। अब जैसे मैंने इसको अपनी टीम में लिया और कप्तान रखा तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा गोल। लेकिन जो इनके टीम मेंबर्स हैं, जो मैच ये हो रहा है मतलब अमेरिका में, तो वहाँ पर जे मॉरिस का खेलना ही बहुत बड़ी बात है। गोल करे ना करे वो बात की बात है, तो ये रिस्पेक्ट है इस खिलाड़ी की। और रूडिस की अगर बात करूँ इसका, भाई साहब मैं चाहता हूँ, मेरे को इसका समझ नहीं आता यार। मतलब पोर्टलैंड टिम्बर्स के खिलाफ तू सुबह खेल गया प्लेइंग 11 में 58 मिनट, अगले मैच में 63 मिनट खेल के भी कुछ नहीं किया, मतलब समझ नहीं आती। सिलेक्शन का मैं अच्छा है तो मैं तब ले रहा हूँ। और एल चू की अगर बात करें तो एक्चुअली इसको रेड कार्ड हैंड ओवर हुआ था ना एक आध मैच में, ये देखो 3 सितंबर के मैच में, तो आज हो सकता है वापसी करे। अब किसकी जगह करेगा ये नहीं पता, कि मॉरिस की जगह करेगा कि रुइडिस की, ये तो अभी बाद में कंफर्म होगा। एंड हैबर को मैं ले नहीं रहा। बात करें ऑपोजिशन टीम की अब, तो आर गोल्ड की अगर बात करूँ तो आर गोल्ड अभी तक बेटर प्रदर्शन है दे रहा है, और बी वाइट भी अभी तक बहुत बेटर प्रदर्शन दे रहा है। मतलब इन दोनों में से एक को लेना है, और एक को लेना बहुत रिस्की है। बी वाइट छोड़ोगे तो हो सकता है बी वाइट चल जाए, गोल्ड छोड़ोगे हो सकता है गोल्ड चल जाए। तो ये तो एक ये है, आपको बता दूँ जैसे हम फैंटेसी कवर करते हैं तो इसमें 60% 70% काम एनालाइज का होता है, ठीक है, 70%, 20% होता है प्लेयर्स के ऊपर, मतलब प्लेयर कि जो हम क्या मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या हो रहा है, 20% ये, 70% एनालाइजिस है। और जो आखिरी के 10% बचते हैं वो हमारा लक है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर लक के ऊपर छोड़ देते हैं, मैं गोल्ड को ले रहा हूँ, बस भगवान करे बी वाइट का गोल ना हो। तो मिडफील्डिंग की बात करें तो रूसनेक को लूँगा, तो रूसनेक को यहाँ पर इसलिए ले रहा हूँ, एक्चुअली अच्छा प्रदर्शन है। अब दो मैच में फ्लॉप हुआ, हो सकता है तीसरे मैच में अच्छी नॉक देने। एंड लोडीरो की बात करें, लोडीरो को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कहीं पर पेनल्टी लेते दिखा है, मुझे नहीं पता प्राइमरी पेनल्टी रहेगा कि सेकेंडरी। और ओल्डन तो अब तो बेकार है, मतलब अब तो खेला ही नहीं तो क्या एक्सपेक्ट करूँ। और बात करें एसएस के नेक्स्ट प्लेयर की, जुआओ पोलो, वो भी नहीं चल रहा, सो मैं इनके पीछे नहीं जा भागूंगा। बरहल्टर की बात करें, इसको हमने लेना नहीं, ठीक है, बरहल्टर वॉज नॉट प्लेइंग। पी वाइट की अगर बात करूँ तो मैं पी वाइट के साथ जाने के लिए तैयार था, बट लास्ट के कुछ एक्सपेक्ट मतलब मैचेस देख के मेरे को एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, बस ले रहा हूँ। और अगला जो प्लेयर है आप वो ले सकते हैं भाई, एंड्रेस कुबास, क्योंकि ये पॉइंट बहुत अच्छे देता है। ये मैं आज का नहीं देख रहा, जब से तब से देख रहा हूँ जब से ऐड हुआ है। एंड डिफेंडिंग सेक्शन की बात करें, यहाँ पे लेंगे वाई गोमेस को, वाई गोमेस द ग्रेट प्लेयर, वाई गोमेस के बाद रोल्डन की अगर बात करूँ, रोल्डन इज सेकंड डिफेंडर। और रैगन लेना है तो आपकी टीम ना सिक्वेंस वाली हो जाएगी, मतलब हर बंदा लेके आएगा, तो कुछ रिस्क लेना ले लो, एंटोलो ले लो, जो भी रिस्क लेना चाहते हैं, या जो भी खेलेगा फोर्थ डिफेंडर। मुझे नहीं पता ये टोलो को भेजेंगे क्योंकि टोलो तो फिट है, अब ये बैकर को भी भेज सकते हैं, कुछ नहीं पता। तो रिस्क लेना तो उसके साथ जा सकते हो, मैं बाकी सेफ जा रहा हूँ। और बात करें गोल कीपिंग की, तो यहाँ पर है हमारा वैंकोवर का गोल कीपर जिसका नाम है योही, तो इसके साथ जाएंगे। तो बात करें कप्तान की, कप्तान हमारा जो है वो है गाइस हमारा मॉरिस, वाइस कप्तान लोडीरो को इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ा सेफ है, बाकी मैं हो सकता है एंड में रुइडिस को रख दूँ, बाकी मेरे दिमाग का कुछ पता नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।